नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ नवमाशा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की। पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी अरुणाचल वेस्ट से होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। भाजपा ने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 54 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। राज्य में पुलिस और चुनाव आयोग की टीमों द्वारा अब तक 30 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जब्त। एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि राज्य में आचार संहिता के पालन के लिए रखी जा रही है पूरी चौकसी। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समिति की महासचिव जर्जुम एते ने पार्टी से इस्तीफा दिया। कहा, समर्थकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर लिया फैसला। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए 27 उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी कर दी है। नई दिल्ली में कल पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामों की स्वीकृति दी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के दोनों लोकसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम शामिल है। अरुणाचल वेस्ट से पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी और अरुणाचल ईस्ट लोकसभा क्षेत्र से जेम्स लोवांगचा वांगलेट को उम्मीदवार बनाया गया है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करने पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा मुख्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता की। सुबह 2 बजे तक चली बैठक में केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और किरण रिजिजू भी शामिल हुए। कोर कमेटी की बैठक के बाद आज अरुणाचल और आंध्र प्रदेश विधानसभा के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की गई। अरुणाचल प्रदेश के 54 विधानसभा क्षेत्रों के लिए पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जिसमें मुक्तो सुरक्षित सीट से मुख्यमंत्री पेमा खांडू, चौखाम से चौना मेन, तेजू से डॉक्टर मोहेश चाई, तूतिंग यिंगक्योंग से आलो लिबांग, पासीघाट ईस्ट से कालिंग मोयोंग, वेस्ट से तातुंग जामो, रोइंग से लाइता उम्ब्रे, जीरो से तागे ताकी उम्मीदवार होंगे। वहीं आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से तुमके बागरा, रुमवंग से तामियो तागा, मियाओ से कामलुंग मोसांग, कानुबारी से गैब्रियल जी वांगसु, खोनसा ईस्ट से वांगलाम साविन, चांगलांग नॉर्थ से तेसाम पांगते, बासर से गोजन गादी, लिरोमोबा से न्यामर कारवक, रागा से तमर मुर्तम, सगाली से डोमिनिक तादर, सेपा वेस्ट से मामा नातुंग, सेपा ईस्ट से येरलिंग ताइलिंग, दम्बुक से गुमताइंग, हायुलियांग से दासांगलू पुल, लेकांग से श्रीमती जुमुंग एते देवरी और पालिन से बालो राजा का नाम शामिल है। कांग्रेस के अरुणाचल वेस्ट से लोकसभा के प्रत्याशी नाबम तुकी ने कहा है कि विकास और प्रदेश के नागरिकों के हितों की रक्षा उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और मंत्री के रूप में पहले से ही राज्य के विकास के लिए कार्य करते रहे हैं और यदि मौका मिला तो सांसद के रूप में भी पहले की तरह काम करता रहूंगा। तो मीडिया से न्यूज़पेपर आज सुबह और सोशल मीडिया में देखने को मिला है कि लोकसभा कैंडिडेट के लिए मेरा नाम चुना गया है। मैं लोकसभा कैंडिडेट के लिए तो पहले से प्रिपेयर तो नहीं है, इसलिए अप्लाई भी तो नहीं किया था। ये पॉलिटिकल डिसीजन हाईएस्ट लेवल में डिसीजन लिया गया होगा। मुद्दा तो अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समिति की महासचिव जर्जुम एते ने कल पार्टी से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के अनुसार अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट से कांग्रेस टिकट न मिलने के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है। ईटानगर में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए जर्जुम एते ने कहा कि वह अपने समर्थकों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। समय हमारे हाथ में है और मुझे आने वाले 5 सालों में
एक बहुत ही ज़रूरी काम अरुणाचल के लिए मुझे करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे स्टेट में अभी यू नो फॉर द फर्स्ट टाइम लॉट्स ऑफ वायलेंसेज आर टेकिंग प्लेस। हाँ, तो मैं सोचती हूँ कि ये सारी चीज़ों का जो है इसका जड़ कहाँ है। ये हमारे लिए एक सिम्टम है जो वायलेंसेज अभी नया नया हो रहा है। डेवलपमेंट इशूज़ में भी वायलेंस हो रहा है, आपका पॉलिसी इशूज़ पे भी हो रहा है। अभी लैंड पॉलिसी वगैरह जो अगर जनता के नज़र में ठीक से आने लगेगा जब, उस पर भी वायलेंस होगा। तो मुझे मेरे 34 साल का जो एक्सपीरियंस है उससे मुझे यह लगा कि हमारे स्टेट में अभी जो भी प्रॉब्लम्स उभर के आ रहे हैं वो हमारे स्टेटहुड एक्ट में निहित है, जो 371H में। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष तकम संजय ने अखिल भारतीय महिला कांग्रेस समिति की महासचिव जर्जुम एते के इस्तीफे को पार्टी के लिए क्षति बताया है। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी को लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनावों के लिए पार्टी उम्मीदवार बनाएगी। I wish her best of luck for her future. हाँ, अरुणाचल का history में लोकसभा और assembly को लेके अलग अलग से fight कर है, ये history होगा। लोकसभा और assembly को एक साथ कांग्रेस पार्टी एक veteran leader को देता है, उसका मतलब उसका वजन जो है उसका बहुत भरा है। राज्य के एडिशनल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के दारांग ने कहा है कि राज्य में स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग की विभिन्न सतर्कता टीमों ने कार्य शुरू कर दिया है। उन्होंने दूरदर्शन को बताया कि पुलिस और आयोग की जांच टीमों द्वारा अब तक 30 लाख रुपए से ज्यादा की धनराशि जब्त की जा चुकी है। श्री दारांग ने बताया कि कई जगह से अवैध शराब भी जब्त की गई है। So far, as per our record, on the evening of 15th, we have a total collection of around 32 lakhs. The Flying Squad team has collected, seized in fact, around cash money of 14,71,200. And the police authority, they have seized a cash amount of around 18 lakhs. Highest amount you seized from which place? Highest amount has been so far seized by police authority of Papumpare district. They seized it from Nirjuli, somewhere around 15 lakhs amount. Any money seized which is above 10 lakhs will be handed over to IT. It has to be immediately informed to the IT department for further investigation. उधर पासीघाट के पुलिस अधीक्षक प्रशांत गौतम ने कहा है कि आदर्श आचार संहिता के अनुरूप पुलिस की टीमें जिले के सभी नाकों पर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा अब तक बिना हिसाब किताब वाली 14 लाख रुपए की धनराशि जब्त की जा चुकी है। चुनाव आ रहे हैं उसमें पुलिस प्रशासन ने, हम लोगों ने यहाँ पर कुछ स्टैटिक टीम्स लगाई हैं जो फिक्स नाकाज हैं उस तरीके से टीम्स हैं, और उसके अलावा हमारी मोबाइल टीम्स हैं जो लगातार घूमती रहती हैं और ये 24 घंटे काम कर रही हैं। तो ये हमारी व्यवस्था है। अभी तक हम लोगों ने ईस्ट सियांग जिले के अंदर करीब करीब 14 लाख रुपये रिकवर किया है कैश में, और उनको सीज हम लोगों ने कर लिया है जो प्रेजेंट जो रूल्स हैं उसके आधार पर। और ये जो हमने 14 लाख रुपए सीज़ किए हैं ये करीबन 6 लोगों से हमने सीज़ किए हैं, 6 डिफरेंट लोगों से। ये जो सेट गाइडलाइंस हैं और जो सेट रूल्स हैं, और जैसा कि आपको मालूम है आचार संहिता लगा हुआ है इस टाइम पर इलेक्शंस के कारण, तो इस टाइम पर हम लोग कैश सीज़ कर रहे हैं, जो आर्म्स एंड एमुनेशन है अगर वो कोई ले जा रहा है उस तरीके से उसको सीज़ कर रहे हैं, या फिर कोई बहुत ही भारी मात्रा में अल्कोहल प्रोडक्ट्स शराब इत्यादि इस तरीके की कोई चीज़ ले जा रहा है, या कोई भी अन्य चीज़ जिससे जो वोटर्स हैं उनको डराया धमकाया जा सकता है या उनको पूर्ण तरीके से वोट करने के लिए रोका जा सकता है, उस तरीके की चीज़ों को हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। लाइसेंस्ड आर्म्स का जो ऑर्डर होता है वो DC ऑलरेडी निकाल चुकी है, तो जितने भी
आर्म्स हैं लाइसेंस्ड, वो आप अपने नियरेस्ट पुलिस थाने में आप लोगों को जमा कराना है। यहीं नहीं, इस ज़िले में नहीं, हर जगह पर आपको अपने लाइसेंस्ड आर्म आपके नियरेस्ट थाने में जमा कराने हैं। टिल नाउ हम लोगों के करीब करीब 100 जैसा लाइसेंस्ड आर्म जमा हो चुके हैं। राज्य में लोकसभा और विधानसभा चुनावों की सरगर्मियां अब तेज होने लगी है, जहां एक और राजनीतिक दलों के संभावित उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ बैठ के कर उन्हें प्रचार के लिए जरूरी निर्देश दे रहे हैं। वहीं आम मतदाता भी चुनावी चर्चा करने लगा है। हर बार की तरह मतदाताओं को चुनावों से कई उम्मीदें होती है। हमारे संवाददाता ने राजधानी क्षेत्र के नाहरलगुन में लोगों से चुनावों से जुड़ी उम्मीदों के बारे में उनकी राय जानी। तो मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जितना भी अरुणाचल वासी को, तो पैसा नहीं लेके हमें बूथ को और जिस MLA जिस मिनिस्टर को बनाना है, जिस MP को बनाना है, हमें पैसा नहीं लेने से ठीक है। और यही हमारा सरकार से अपील है, जो रोड हमारा अरुणाचल का रोड जो बहुत से तो गाड़ी घोड़ा के लिए बहुत दिक्कत है, इसलिए गाड़ी तो स्मूथ होना है तो हमें रोड जरूरी है। और इस बार इलेक्शन में हमें बिना पैसा में तो डेवलपमेंट का जरूरी है, इसलिए मैं यही अपील है। अभी जो भी हो CM हुए जो भी आओ तो ये मेन करके यहाँ का हम यहाँ का नानक लोकपुरी को यहाँ पे हाईवे को 4-way बना दो, तब जाके इसका जो पब्लिक लीडर में हम साथ दे रहे ना। मैं सबसे विनती करता हूँ, ऐसे एक दल को निकालिए जो हमारा भारत का उन्नति विकास करे। कोई भी सरकार आओ, ये डेवलपमेंट करने से होगा और युवा के लिए जो कुछ मिलने से सही है। 2019 के इलेक्शन में मैं शांति और विकास का पक्ष में जाऊंगा, यही मेरा निवेदन है कि आगे भी ऐसा चले। गुजरात के गांधीनगर में इन दिनों नवाचार और उद्यमिता पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 15 मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए इस अवसर पर नेशनल इनोवेटर अवार्ड प्रदान किए थे। अरुणाचल के युवा इनोवेटर तादर अनांग भी राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त करने वालों में शामिल थे। तादर अनांग को नेशनल ग्रास रूट इनोवेटर अवार्ड प्राप्त हुआ है। उन्हें यह पुरस्कार नेत्रहीनों के लिए स्मार्ट गूगल फॉर ब्लाइंड तैयार करने के लिए दिया गया है। तादर अनांग के साथ साथ राष्ट्रपति ने हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के इनोवेटर्स को भी सम्मान प्रदान किया था। नेशनल फर्स्ट कैटेगरी 4 लोगों को दिया गया था और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी एक अवार्ड दिया गया है। तो ये है हमारा अवार्ड जिसे हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद ने दिया। और मैं अपने अरुणाचल दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि वो भी अपनी ज़िंदगी में मेहनत कीजिए और सफलता उन लोगों के लिए होता है जो रोज़ मेहनत करता है। और मेरा इन माय केस लाइक पास्ट 15 इयर्स वाज विशेष ओलंपिक्स में अबू धाबी में भारत ने अब तक 18 स्वर्ण, 22 रजत और 30 कांस्य पदकों सहित कुल 70 पदक हासिल कर लिए हैं। भारतीय टीम ने कल दूसरे दिन 14 स्वर्ण पदकों समेत 55 पदक प्राप्त किए। रोलर स्केटिंग में हरियाणा के सुप्रीत सिंह ने 1000 मीटर की स्पर्धा में, नई दिल्ली के ऋषभ जैन ने भी 1000 मीटर स्पर्धा में और महाराष्ट्र के प्रिया प्रकाश गड़ा ने 100 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते। अमनजोत सिंह ने 385 kg वजन उठाकर स्कॉट प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। भारत के रोलर स्केटर्स ने 9 स्वर्ण, 13 रजत और 2 कांस्य समेत 29 पदक हासिल किए। भारोत्तोलन में दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों को 23 पदक जीतने का गौरव मिला। साइकिलिंग में 2 स्वर्ण और जूडो में 2 खिलाड़ियों को स्वर्ण पदक मिले। उधर दुबई में एथलेटिक्स और तैराकी में भी 8 स्वर्ण पदक प्राप्त हुए। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। आप देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।